नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। समाजवादी पार्टी युवा टीम बरगदिया रामनगर बाराबंकी विकास पुरुष परम आदरणीय माननीय बेनी प्रसाद वर्मा बाबूजी के 80वां जन्मदिन शुभ अवसर पर बाराबंकी बहराइच मार्ग पर रानी बाजार चौराहे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद रावत की अगुवाई में पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का केक काटकर व मिठाइयां वितरित कर जन्मदिन मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के समाजवादी कार्यकर्ता अमर सिंह रावत पूर्व प्रधान बरगदिया, सतीश चंद्र पूर्व प्रधान अशोकपुर चाचूसराय, राम मनोरथ पूर्व प्रधान दलसराय, डॉक्टर दिनेश यादव चांदपुर, संजय वर्मा पूर्व प्रधान सिरौली कला, मदन चंद वर्मा बरगदिया मोहल्ले प्रजापति धवखरिया आदि समस्त समाजवादी युवा टीम उपस्थित रही। बाराबंकी से मोहम्मद जुबैर की रिपोर्ट। शर्मा जी का जन्मदिन है, इस अवसर पर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो आप सब लोग रानी चौराहे पर इकट्ठा हुए समाजवादी कार्यकर्ता, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। और हम लोग यहाँ से संकल्प लेके चल रहे हैं कि बाबूजी के 80वें जन्मदिन पर जब तक बेनी प्रसाद वर्मा जी की अगुवाई में, राकेश वर्मा जी की अगुवाई में अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना देते हैं, तो हम लोग लाइन से नहीं बैठे। किस पार्टी से हैं आप? समाजवादी पार्टी से। अच्छा अच्छा, क्या क्या तैयारियां हैं आप? हमारी तैयारियां जन्मदिन के लिए हम लोग बाराबंकी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और फिर किसान बेरोजगार है, युवा वर्ग बेरोजगार है, किसान को उनकी लागत का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का बेनी प्रसाद वर्मा की अगुवाई में कौन सी विकास। जैसा मौजूदा सरकार जो चल रही है, किसान और नौजवान विरोधी बताया जा रहा है, तो इस बारे में आपका कहना चाहते हैं? किसान रात दिन मेहनत करता है, उसको घर में रात में सोना चाहिए। किसान पूरी पूरी रात खेत में चौकीदारी करता है। इसलिए हम जो है भाजपा सरकार किसान विरोधी है, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी 2022 में बदल